नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आपका भाई सूर्य स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इन एडवेंचर पे। आज की जो लोकेशन है, आप लोगों को या आप लोगों की डिमांड पे, आप लोगों के कहने पे सिर्फ इस लोकेशन को दोबारा से विजिट कर रहा हूं। या इस जगह पे जो हादसे होते हैं उनकी जो गिनती है वो शायद बढ़ गई है। अब इन दिनों में जब से हमने वीडियो करी है उसके बाद में जो है इसकी गिनती बढ़ गई है। तो आज जो है इस लोकेशन पर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में सूरज और कैमरे पे सोनू भाई। तो हम तीनों भाई जो है इस लोकेशन को विजिट करने जा रहे हैं। इस लोकेशन की कहानी है एक औरत जो अपनी तरफ खींचती है मर्दों को और उस पानी की टंकी पे ले जाके वहाँ से पता नहीं क्या करती है, जिसकी वजह से लोग जो है वहाँ से नीचे गिर के अपनी मौत को गले लगा लेते हैं। तो यही कुछ यहाँ की ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसको सुनने के बाद में हर एक इंसान का दिल जो है जगह छोड़ देता है, कलेजा काम करना बंद कर देता है। पर आपका भाई सूर्य सिर्फ आप लोगों का साथ, प्यार, सपोर्ट जो है उसकी वजह से और उस ऊपर वाले भोलेनाथ का जो आशीर्वाद है उससे जो है हर एक लोकेशन को अच्छे से या जो भी एक्टिविटी वहाँ पे होती है उसको कैप्चर करने में कामयाब होते हैं। चाहे वहाँ से भागना ही पड़े लेकिन कामयाब होते हैं हम। सूरज, आज की जो लोकेशन है वो है मोस्ट हॉन्टेड एक वाटर टैंक, जहाँ पे एक औरत अपने आप को वश में करने की कोशिश करती है। यहाँ पे भाई जो दो पेट्रोल कर्मी थे उनकी मौत होने के बाद में वो पेट्रोल पंप भी जो है शाम को 7 से 8 बजे जो है बंद हो जाता है। तो इस लोकेशन पे रात के इस टाइम पे हम तीनों भाई आज आप लोगों की डिमांड पे जा रहे हैं। तो आप लोगों का फर्ज बनता है इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक वॉच करना, और जो भी इस वीडियो में या कुछ भी होता है अगर, तो प्लीज़ स्किप मत करना इस चीज़ को, क्योंकि वीडियो शुरू से लेके एंड तक वॉच करोगे तब जाके समझ में आती है वीडियो की पूरी कहानी। तो शुरुआत करते हैं इसी लोकेशन की आप लोगों के साथ में। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। तो आ जाओ सोनू भाई, आ जाओ। चलो भैया, भाई आज हम वापस उसी लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं और आज मेरे साथ में जो है सूरज है और एक भाई सोनू है जो कैमरे पे है। लोकेशन जो है ना बहुत ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट कर रही है। कई लोगों का कमेंट आ रहा है भाई वो औरत जो है वो क्या चाह रही है, और कई लोग बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा डेंजर लोकेशन है। मैंने इस बीच में आप लोगों को बताया था एक पेट्रोल पंप है जो बंद हो जाता है शाम के टाइम में, दिन में ये खुलता है, ये नहीं है बंद ही हो चुका है, ये दिन में खुलता है लेकिन शाम को 7-8 बजे के आसपास जो है ये बंद हो जाता है। पहले ये पूरी रात खुला रहता था। एक बार पेट्रोल पंप की तरफ भी कर लेना भाई कैमरा, ठीक है। ये वो पेट्रोल पंप है जो पहले खुला रहता था लेकिन इन हादसों के बाद में ये बंद रहने लग गया। और पिछली बार एक और चीज़ हुई थी जो बहुत ज़्यादा और ये वो पानी की टंकी है। पिछली बार भी अपने साथ, पिछली बार कई लोग, मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक बंद होने लग गई थी, कई लोग ऐसे बोलते थे भाई पेट्रोल कम होगा ये वो। पेट्रोल तो वास्तव में अभी भी कम है लेकिन बंद होने वाली कंडीशन में नहीं है पेट्रोल। भैया सामने देखो, कौन हो? कौन हो तुम?
गेट 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 भैया यार गेट खुल गया, गेट सूरज खुल गया, अंदर जा रही है भैया। सुनो हमारी बात, क्या हमारी बात सुनने में आ रही है तुम्हें? हमारी बात को सुनो, रुक जाओ। रुक जाओ, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। पीछे कौन है? क्यों राउंड करिए पीछे? पीछे कोई नहीं हुआ। एक सेकंड, वापस कैमरा घुमाइयो। कैसा लगा पीछे कोई है? कोई नहीं पीछे। सूरज आ गया। कौन हो तुम? और आधी रात को जो है लोगों को यहाँ आने पे मजबूर क्यों कर देती हो? भैया यार, भैया गेट अपना भैया वापस बंद हो गया गेट। जैसे कोई भी हरकत हो ना कैमरा राउंड कर लिया भाई। ठीक भाई, भैया यार उसका चेहरा देखो। रुक जाओ, हमारी बात को सुनो, तुम हो कौन और यहाँ ऐसी हरकतें क्यों करती हो जिसकी वजह से लोगों की जान चली जाए? देखो मैं आज दोबारा इस लोकेशन पे आया हूँ सिर्फ और सिर्फ इस जगह की हकीकत जानने के लिए कि आखिर तुम चाहती क्या हो। देखो हम जो है यहाँ पे इसलिए आ रहे सिर्फ और सिर्फ यहाँ का राज जान सके तुम आखिरकार करती क्या हो और क्यों है ये सब हरकतें कर रही हो जिसकी वजह से लोगों की जान चली जाए। ठीक से कैप्चर करना, ठीक है? ठीक भी है, ठीक। कौन हो तुम? मैं बार बार एक ही बात को दोहराए जा रहा हूं कि हो कौन तुम जो तुम्हारे पीछे लोग आते हैं और वो मारे जाते हैं?
ऊपर जा रही है भैया। देखो हम जो है तुम्हारे पीछे सिर्फ इसलिए आए ताकि हमें यहाँ का जो भी तुम्हारे साथ में गलत हुआ है अगर उसका पता चल सके, या फिर तुम जो ये लोगों के साथ में करती हो इसके बारे में क्लियर पता चल सके। तो हमारी बात का जवाब दो, तुम चाहती क्या हो, क्यों हमें ऊपर ले जा रही हो और क्यों हमारा रास्ता रोका? भैया और ऊपर जा रही हो, वहां तक ले जाएगी भैया, वहां तक भी ले जाएगी ना, वहां तक जाएंगे। एक चीज नोटिस करी सुरुज तूने, नंगे पैर ही ये औरत है, छलावा है या कोई डायन है? जो भी है वो तेरे पास फोन है क्या? टाइम क्या हो रहा है अभी? टाइम पे फोकस कर भाई एक बार। जो भी चाहती है रुक जाओ, रुक जाओ, क्या हो तुम, क्या चाहती हो? यही तो खड़ी हो, क्या चाहती हो तुम? भैया और ऊपर जा रही हो, जो भी बात हो तुम हमें बता सकती हो, हम तुमसे बात करने की कोशिश करेंगे। पता नहीं यार भैया, लाइट बंद होगी। हाँ भाई, क्या चाहती हो तुम?
भाई सुन। हाँ ऊपर आ जल्दी, आया जल्दी ऊपर। कुछ जगह चली गई वो, अपन चले कि नहीं चले? तुझे अकेले को तो भेज नहीं सकता नीचे, ऊपर चलने वाला भी सकता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो देखा जाएगा। आ जा सुन, चलो भी साइड पे वो हाइट चेक कर लो एक बार। चल चल चल, यही कहीं होगी ऊपर आई तो। कौन हो तुम? की साइड पे हम जगह था आगे बच्चा। सूरज, सूरज, ओए, अरे फटाफट नीचे चल, फटाफट फटाफट नीचे चल। अरे यार, अरे यार, चल नीचे आ जा। कैमरा वैमरा फेंक दे सब, मेरे को कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। नीचे आ जल्दी, भैया कुछ नहीं सोच रहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम दो कोई भी हो, चल जाओ यहाँ से। तुम ऑलरेडी जान ले चुकी हो एक की हमारे, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम दो कोई भी हो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम चली जाओ सूरज के पास, आ जल्दी यार। सूरज
सूरज, ओए सूरज, सूरज उठ यार, चले जाओ यहां से। सूरज ओए उठ जा यार, सूरज उठ, सूरज सूरज भाई उठ जा यार, सूरज उठ ना यार। बाप रे, सूरज उठ जा यार, सूरज सूरज भाई उठना यार, सूरज उठ जा यार, सूरज भाई उठ जा यार, ऊपर नहीं है क्या वो कुत्ती, गाड़ी बुलाता हूँ, एम्बुलेंस चल दिया, गाड़ी बुला। कोई है क्या यार, कोई है, कोई है हमारी मदद के लिए, फोन भी मेरे पास, मैं जाता हूँ किसी को बुला के लाता हूँ, यही रुक तू, सूरज के पास जाके फटाफट वापस मार आ जब तक। ठीक भाई ठीक ठीक, आया भी बात सुन। हाँ भाई ये जा रखियो, हाँ मैं गाड़ी लेके आता हूँ। ठीक भैया, ठीक भैया।